हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2020 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रियल नंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया था, तो कुछ लोगों का उसमें से कॉमेंट था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना था। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं वो जो रियल नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आप वहां पे जाके इसको चेक कर लीजिए। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है जो कि इस बार पिछला साल जो है न्यू अपडेट हुआ था। ये क्वेश्चन 2019 में तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जाम्स में आएगा। तो जिसको भी ये क्वेश्चन समझना है मेरे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 वहां पे लिखा हुआ होगा, आप वहां पे जाके देख ले। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं एक अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा इसी क्वेश्चंस को लेके, तो कमेंट जरूर कर ले अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो। और एक हम लोग हमको कमेंट मिला था ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोग को समझा दूंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि सो दैट √6 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा तो। तो चलिए आज हम पहले पॉलिनोमियल चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, और इनमें से भी कोई क्वेश्चन आप लोग को अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी आप लोग के सामने बनाऊंगा और उनको समझाऊंगा भी और एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑब्टेंड ऑल जीरोज ऑफ 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3। ये हर साल मतलब तो नहीं पूछा जाता है कि हर साल आपके एग्जाम्स में आ जाते, लेकिन हर दो या तीन साल में, एक साल के गैपिंग के अंदर, दो साल के गैपिंग के अंदर ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, और यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन है, इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2+√3 एंड 2-√3 फाइंड अदर जीरोज। तो ये दो, यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन तो आपका 100% श्योर रहे कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है, दो में से एक पक्का रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी दो साल तीन साल में रिपीटेड रहता है। ये क्वेश्चन है जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बाकी जो आप लोग देखे ये सब भी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और साथ ही आर एस अग्रवाल का ये एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से अगर देख ले नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, आप लोग को मैं इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर माइनस a माइनस b, a और a प्लस b, फाइंड a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई a पॉलिनोमियल gx द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx, इसमें से gx फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। ये क्वेश्चन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मे बी कि अगर इन सब में से नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना जरूरी नहीं है लेकिन मे बी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 एंड माइनस 2 आर द जीरोज, टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, −7, −14 रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स ए, फाइंड के एंड ए। यहां से हमको इस k का वैल्यू और इस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन्हीं 8 क्वेश्चंस में से कोई भी एक दो क्वेश्चंस जो होगा वो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में रहेगा, इससे आउट क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा। आप किताब पूरा बना ले, लेकिन मैं जो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में रहेगा।
अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करना सीखेंगे √6 एक इरेशनल नंबर है। तो अगला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।